पेस्ट स्पेशल जब हम बात करते हैं कॉपी पेस्ट की, तो कॉपी पेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे कंट्रोल सी दबाया हमने और कंट्रोल वी दबाया, यहाँ तो हमारा पूरा पेस्ट हो गया, ठीक है जी। पर जब हमें सब कुछ छोड़ के कुछ चीजें स्पेशल करनी हो, सच एज कि आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला डाला हुआ है, यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला डाला हुआ है, ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स डले हुए हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, हम होम में जाके यहाँ पेस्ट स्पेशल में चले जाते हैं, राइट क्लिक करके भी जा सकते हैं, और यहाँ से वैल्यूज़ करते हैं, उसमें देखिए क्या वेरिएशन आती है। पेस्ट एज वैल्यूज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फार्मूला नहीं चाहिए होता, वैल्यूज़ जो ऊपर दिख रहा होता है वो चाहिए होता है, तो हम पेस्ट एज वैल्यूज़ करते हैं। बट पेस्ट एज वैल्यूज़ जैसा कि मैंने किया, ये वैल्यूज़ आई तो सही, पर डेट में कुछ नंबर्स आ गए मेरे पास, और सेल्स जो आप देख रहे हैं मेरे डेसिमल पॉइंट्स गायब है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब हो। मैं इसको कहते हैं वैसे बेसिकली नंबर फॉर्मेटिंग। नंबर फॉर्मेटिंग क्यों कहते हैं, ये नंबर का टैब है, ये आपका होम टैब में ही है, और इसमें आप देखेंगे तो ये कैटेगरी नंबर के नाम से टाइटल है, जनरल नंबर, अकाउंटिंग डेट, टाइम, इसमें हम नंबर का जो भी फॉर्मेटिंग देते हैं, तो ये नंबर फॉर्मेटिंग कहलाता है बेसिकली। तो आप चाहते हैं कि आप पेस्ट एज वैल्यूज तो करें बट साथ में नंबर फॉर्मेटिंग भी हो, तो हम यूज करेंगे वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग वैल्यू वी विल यूज वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट। उसमें क्या होता है, आपकी जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो मेंटेन रहेगी, हालांकि फॉर्मूला नहीं रहेगा किसी में, आपका वैल्यूज ही रहेंगी बट इंक्लूडिंग नंबर फॉर्मेट्स। देन बात आती है जब हम कॉपी करके अब पेस्ट करते हैं किसी जगह डाटा, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो कॉलम सेटिंग है वो बिगड़ी होती है। आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ कुछ और कॉलम सेटिंग है, यहाँ कुछ और कॉलम सेटिंग है। अब छोटा है तो मैं हाथ से सेट कर लूंगा जैसा चाहिए मुझे, पर जब ज़्यादा बड़ा डाटा होता है तो ये एक इरिटेटिंग प्रोसेस होता है। सो उसके लिए क्या है मेरे पास, जब आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, वहीं से पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉलम विड्थ का। तो जब आप इसको ओके करेंगे और एंटर कर देंगे, तो क्या होगा कि आपकी कॉलम सेटिंग्स जो हैं वो भी पेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में क्या होता है कि ऑल के अंदर हम सारी के सारी चीजें पेस्ट कर देते हैं, सच एज कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट उसके अलावा जो भी पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे डेटा के पार्ट्स हैं, जैसे फार्मूला अलग से पेस्ट करने, वैल्यू अलग से पेस्ट करनी, फॉर्मेट अलग से पेस्ट करनी, कमेंट पेस्ट करनी, वैलिडेशन करनी है। तो फार्मूला और वैल्यूज की जगह हमारे पास है फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है जी। तो कॉलम विड्थ बताया मैंने, और आप यूज कर सकते हैं कॉलम ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर को छोड़ के बाकी सब पेस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं बॉर्डर से, बॉर्डर को छोड़ के बाकी सारी चीज पेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग है इसमें ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स थीम जब आप यूज करते हैं, इसका वैसे एक्सेल में कोई यूज नहीं है, थीम्स हम यूज करते हैं पावर पॉइंट में, तो ये थीम की फॉर्मेटिंग को भी आपका पेस्ट करता है। नॉर्मल में ऐसा नहीं होता, थीम्स एक्सेल में कहाँ होते हैं, पेज लेआउट पे जाएंगे, अब तीसरा टैब है, यहाँ पे आपकी थीम्स अवेलेबल है, ये हमारे पास कुछ थीम्स हैं यहाँ पे, ठीक है जी। जब आप देखेंगे तो थीम्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी आपके पास, तो थीम्स का हम लोग बेसिकली यूज नहीं करते हैं। देन बात करते हैं, जैसे आपने कुछ कमेंट्स दे रखे हैं अपने डेटा पे, बहुत लंबी चौड़ी कमेंट है, कई बार हम डेटा को अपना एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देने के लिए कमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है जी, तो ये कमेंट्स अगर आपको कभी कॉपी पेस्ट करना हो तो आप इसको कॉपी करें और पेस्ट स्पेशल में जाके कमेंट्स को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी।
अब जैसा कि हमने किया था, हम चाहते हैं कि पेस्ट एज वैल्यूज हो बट फॉर्मेट्स भी साथ में हो, मतलब खाली नंबर फॉर्मेटिंग नहीं, ऑल फॉर्मेटिंग साथ में हो। इसको थोड़ा सा कलर और दे देता हूं, तो ऑल फॉर्मेट्स आपके साथ हो। तो मैं जैसे मैंने किया यहाँ पे किया, मैंने पेस्ट एज वैल्यूज है नॉर्मल वैल्यूज कर दी, और मैं चाह रहा हूँ सारे के सारे फॉर्मेट। तो मैं क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल में से फॉर्मेट चूज कर लूंगा, तो सारे के सारे फॉर्मेट्स आपके लग जाएंगे इस पर, इंक्लूडिंग ये बोल्ड, इटैलिक, कलर, सेल कलर, फॉन्ट कलर, सब लग जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट थिंग होती है हमारे पास वैलिडेशन। वैलिडेशन को भी हम अलग से पेस्ट कर सकते हैं। सपोज हमने कहीं पे वैलिडेशन दिया। हाँ जी बताइए। तो हम रिव्यू में जाके शो ऑल कमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं, सारी की सारी कमेंट्स को एक साथ शो करने के लिए स्क्रीन पे। देन हम चलते हैं आगे, डेटा वैलिडेशन की बात कर रहा था मैं। वैलिडेशन को भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वैलिडेशन का जब चैप्टर आएगा तो इसके बारे में और डिटेल में बताया जाएगा। सपोज मैं आपको एक छोटा सा सैंपल दिखा देता हूँ वैलिडेशन का। जैसे मैंने एक लिस्ट बनाई यहाँ, ठीक है जी। इसमें आप वैलिडेशन में होता क्या है कि आप अपनी वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अब आप जो वैल्यूज लिस्ट में देख रहे हैं आप केवल उन्हीं को यूज कर सकते हैं, और कुछ आप डालने की कोशिश करें तो इस तरह की एरर आएगी। तो जब आपको वैलिडेशन पेस्ट करनी हो तो आप कॉपी कर लीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए एरिया जहां आप पेस्ट करना चाहते हैं। पेस्ट स्पेशल में जाइए और वैलिडेशन को आप अलग से पेस्ट कर सकते हैं। अब इन सारी सेल में ये वैलिडेशन आ चुकी है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशंस की तरफ। इनके ऑपरेशंस में देखते हैं, जैसे हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स है। ठीक है जी, अब सेल्स है तो टारगेट भी होगा। तो मान लीजिए जो हमारा टारगेट है, उस टारगेट से पहले आते हैं, मान लीजिए ये जो आपने डाटा बनाया है, इसमें आपने रिव्यू के लिए आपने किसी कलीग को या बॉस को दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं इसमें 25 कम रह गए, इसमें 50 कम रह गए, इसमें 31 कम रह गए, या इसमें 15 ज़्यादा है। इस तरह से डेटा दे दिया आपको उन्होंने, तो आपको क्या करना है, बेसिकली इस डेटा को इसमें प्लस करना है। ठीक है जी, इसके लिए क्या करेंगे हम, वैसे तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया आपकी वैल्यू को, प्लस लगाया, दूसरी वैल्यू सिलेक्ट की, देन ड्रैग किया इसको, तो आपका पर्पस तो सॉल्व हो गया कि 61 में 25 जोड़ा है, इतने यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे 56 का 56 रहा, तो ये करके आपने दे दिया। ठीक है जी, बट आप क्वेश्चन आता है अब कि ये जो कैलकुलेशंस हमने की अभी, अब यहाँ पे टाइम वेस्ट हमारा ज्यादा हुआ। ठीक है जी, इतना करने में फॉर्मूला करो, ड्रैग करो, ये सब करो, उससे बेटर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करूं। ठीक है जी, इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया मैंने, कॉपी किया, देन मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास ऑपरेशन टैब है, इसमें मैं क्या करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा। ठीक है जी, तो देखिए ऐड का जो सिंबल है ये क्या करेगा, जो मेरे कॉपी डेटा को है सिलेक्शन में ऐड कर देगा, यानी 86 में 25 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 111। इसी तरह बाकी सब में भी ये काम हो गया। हम कहते हैं नहीं जी आपको ऐड नहीं करना, आपको क्या करना है, रिप्लेस ही कर देना है, ये जो डेटा है रिप्लेस कर देना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे फंस गए थोड़ा सा, पहले तो चलो हम कर ले रहे थे, अब यहाँ थोड़े करने लायक भी नहीं रहे, पर जो इंटेलिजेंट है थोड़े से, वो भी जिनको फॉर्मूला पता है, वो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर हमारा D3
इक्वल टू है, मतलब यानी कि कुछ नहीं है उसमें, डबल ब्लैंक दिया है मैंने, डबल क्वेट्स के अंदर ब्लैंक है, तो क्या करे इसको ले ले, अदरवाइज इसको ले ले। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है हमारा। तो हाँ जी, फॉर्मूला तो बन गया चलो, पर ये थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला हुआ, इरिटेटिंग हुआ, जिसने रिप्लेसमेंट का पूरा काम निभाया है यहाँ पे। अगर यहाँ 25 है तो 25 है, यहाँ कुछ नहीं है तो वो पहला वाला ले रहा है। तो हम पेस्ट एज वैल्यूज किए इधर जाके, ठीक है जी। बट हम ये चाहते नहीं, इतना लंबा प्रोसेस क्यों जाए, और हम कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे क्या हो जाएगा, ये जो ब्लैंक वैल्यूज हैं ये भी पेस्ट हो जाती है, जहाँ खाली है सेल वो भी पेस्ट हो जाती। अगर ये खाली सेल पेस्ट ना हो इस जगह पे तो हमारा काम बन सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और स्किप ब्लैंक्स का जो ये चेकबॉक्स है उसको चेक कर देंगे, ओके करेंगे। तो आप देखेंगे जो जहां पे टेक्स्ट था वही इधर पेस्ट हुए, बाकी ब्लैंक्स आपके नहीं पेस्ट हुए, ठीक है जी। तो आपका रिप्लेसमेंट का काम चल गया इधर। अब जैसा कि मैं कह रहा था टारगेट के बारे में, अब हमारे पास सेल्स है तो टारगेट भी होगा। टारगेट मैं कह देता हूं इनका है सबका 200 टारगेट है। अब मुझे ये निकालना है कि ये कितना परसेंट अचीव कर पाए। तो बेसिकली इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला लगाना पड़ता है अचीवमेंट परसेंटेज के लिए। फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, ये डिवाइडेड बाय ये, इसको फिक्स कर दूंगा, देन इसको ड्रैग करूंगा और देन यहाँ से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा, तो अप्रोक्सीमेट ठीक ठाक आ गया मेरा, ठीक है जी। तो इस चीज को आपको खाली अचीवमेंट परसेंटेज दिखाना है तो इतना लंबा फॉर्मूला जाने की हमें जरूरत नहीं। आप क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, ये मैं डेटा यहीं कॉपी कर देता हूँ, अचीवमेंट परसेंटेज में सेम फिगर कॉपी कर देता हूँ, ठीक है जी। देन मैं क्या करता हूँ, कॉपी किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया, देन क्या किया मैंने, डिवाइड किया, यहाँ पे डिवाइड है ऑपरेशन टैब में। देखिए ऑपरेशन टैब में हम ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो मैंने डिवाइड कर दिया इन परसेंटेज में कर दिया, उससे ज्यादा फास्ट रहा। अब देखते हैं इसकी और एडवांटेज। अब बात आती है, मान लीजिए आपके पास प्रैक्टिकल बात करते हैं तो टारगेट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं हर एक एम्प्लॉय के। तो इसमें मैं एक रैंडम टारगेट जनरेट करवा देता हूँ, 100 से लेकर 200 तक का कोई भी टारगेट हो सकता है इनका। हाँ वो डॉलर साइन से मैंने फिक्स किया था, डॉलर साइन जो मैंने लगाया था वो F4 बटन दबाएंगे आप डेटा के बीच में जाके, किसी भी रेफरेंस के बीच में, जैसे आप यहाँ से कोई ये रेफरेंस है आप इसमें डॉलर साइन लगाना चाहते हैं तो बीच में क्लिक कीजिए या सिलेक्ट कर लीजिए, तो F4 प्रेस करेंगे, बार बार करेंगे तो अलग अलग ऑप्शन दिखाएगा ये आपके डॉलर साइन के, ठीक है जी। डॉलर साइन मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे होता है, अगर नहीं मालूम उसके बारे में। तो यहाँ पे मेरे पास टारगेट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं। मैं क्या करता हूँ, सेम फिर से डेटा पेस्ट कर देता हूँ। अब डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स हैं, मैंने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है टारगेट्स को, इस फिगर को सिलेक्ट करना है, टारगेट्स को कॉपी करके फिर मैंने ये फिगर सिलेक्ट किया, देन डिवाइड एंड देन परसेंटेज। इस बार क्या हुआ, हर एक डाटा जो है अपने सामने सामने वाली सेल से डिवाइड हुआ है, ठीक है जी। अब मान लीजिए आपकी दो दिन की सेल है या 7-8 दिन की सेल है, सात आठ दिन की सेल है, अलग अलग सेल है, ठीक है जी। और इसी तरह हमारा टारगेट भी अलग अलग है यहाँ पे,
तो ये टारगेट मेरा अलग अलग हुआ। अब मुझे क्या करना है, अचीवमेंट परसेंटेज निकालनी है दोनों की। ठीक है जी, मैं क्या करूँगा इस डेटा को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा नॉर्मल डेटा, फिर इसको सिलेक्ट कर, इसको सिलेक्ट की के मैंने कॉपी किया, देन ये अचीवमेंट परसेंटेज वाले ये फिगर्स को सिलेक्ट किया, देन क्या किया अगेन डिवाइड कर दिया परसेंटेज। ठीक है जी, अब इसमें क्या हुआ, ये 157 इस वाले से 25 वाले से डिवाइड हुआ, 183 जो है 76 वाले से हुआ, 130 जो है 56 वाले से हुआ, 168 जो हुआ 39 से हुआ। तो एक सिमेट्री क्रिएट करते हैं आपस में। ठीक है जी, कितना भी बड़ा डेटा हो इस तरह से सिमेट्रिकली आप कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे आप अगर फाइनेंशियल फर्म में हैं या फाइनेंशियल डाटा बनाते हैं कभी, तो कई बार हमें क्या दिखाना पड़ता है, मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 लाख से लेकर 90 लाख तक का डाटा ले लेता हूँ, कुछ भी डाटा। ठीक है जी, अब मेरे पास एक फाइनेंशियल डाटा है और मुझे क्या करना है, इनकी जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है वैल्यू इन लाख। मैं थ्रू अलग कैसे, क्या चीज, हाँ कॉलम रो इक्वल होनी चाहिए ना, मतलब इसमें क्या है कि आपका जिस पोजीशन पे है और इसमें है, ये दोनों सेम समानांतर होने चाहिए, तब जाके आप पता चले आपने यहां से इतना डाटा सिलेक्ट कर लिया और यहां से पूरा सिलेक्ट कर लिया, तो दिक्कत है उसको कोई ऐसे पता पड़ेगा किसको किससे करना है। ठीक है जी, अब जैसा कि मैं बता रहा था कि हम फाइनेंशियल डेटा कई बार क्रिएट करते हैं, जैसे वैल्यू इन लैक्स। ठीक है जी, अब इस ये लाख की कुछ वैल्यूज है जिसको मुझे दिखाना है पॉइंट्स में, जैसे 1.2 लाख, 1.3 लाख इस तरह से। अब हो गई आपको प्रॉब्लम, आपके पास नॉर्मली अभी तक की नॉलेज में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं था जिससे आप ये टास्क कर पाते, और कर भी पाते तो आपको फॉर्मूला यहाँ से इधर तक ड्रैग करना पड़ता, बहुत झंझट वाला काम। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे क्या लिख लूंगा, 1 लाख लिख लिया मैंने, कहीं भी कॉपी किया और इस पे पूरे पे जाके मैंने क्या किया, पेस्ट स्पेशल में डिवाइड मार दिया। ठीक है जी, हो गया काम मेरा, डेसिमल डिक्रीज करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, आ गई मेरी फिगर सारी, तो विद इन सेकेंड्स में मैं खेल सकता हूँ डेटा के साथ अपने इन मेथड से, इन कैलकुलेशन मेथड से। देन आपको एक चीज और दिखाऊं कि जैसे कि मैंने अभी इसमें एक फॉर्मूला क्रिएट किया था, अब फॉर्मूले में फॉर्मूला लगाना वो एक पंगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हर एक सेल एक फॉर्मूला है, मैं क्या करता हूँ कि ये फॉर्मूला, ये रैंडम रैंड बिटवीन का फॉर्मूला क्या है, रैंडम नंबर जनरेट कराता है, हर बार जब भी मैं एंटर मारूंगा या शीट रिफ्रेश होगी तो ये हर बार अलग अलग चेंजेस दिखाता है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, फॉर्मूला है आपकी कोई वैल्यू से फॉर्मूला रिजल्ट दे रहा है, अब उस फॉर्मूला में मुझे क्या करना है, सेम प्रोसेस दोहराना है कि जो भी रिजल्ट आए उसे एक ये 1 लाख से डिवाइड कर दूं। अब ये रियली में प्रॉब्लम है कि 1 लाख से आप डिवाइड करेंगे कैसे, यानी कि मैं चाह रहा हूं कि इसको करना है मुझे डिवाइडेड बाय 1 लाख, अब ये कैसे करेंगे सारे में जब फॉर्मूला लगा है। तो आप यही सेम प्रोसेस यूज करेंगे, कॉपी पेस्ट स्पेशल और डिवाइड। अब देख रहे हैं एक एक फॉर्मूले में ये सेम चीज हमारी डिवाइड हो गई है। ठीक है जी, हर एक फॉर्मूले में ये चीज आ चुकी है मेरे। तो ये बहुत पावरफुल टूल है जो आपको फॉर्मूला के साथ तक फॉर्मूले के साथ तक आपको मॉडिफिकेशन करने में मदद करता है।
नेक्स्ट अब देखते हैं कैलकुलेशन ऑप्शन के बाद ट्रांसपोज। मेरे हिसाब से आप जानते होंगे ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि हम जैसे रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में बदल दें। तो यहाँ का जो डेटा है मैं राइट क्लिक करूंगा, पेस्ट स्पेशल करूंगा, ट्रांसपोज सिलेक्ट करूंगा, हेलो हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं ट्रांसपोज सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही ओके करूंगा ये मेरा डाटा रो का डाटा कॉलम में पटक देगा, कॉलम का रो में पटक देगा। और इसको अगर मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा तो फिर पहले जैसा बना देगा ट्रांसपोज। ठीक है जी, तो रो का कॉलम में, कॉलम का रो में, इसका यही काम है। देन आती है बात लिंकिंग की। डेटा को जब हम लिंक करते हैं कैसे करते हैं, हम इक्वल टू दबाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये एक रेफरेंस बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ ड्रैग कर रहा हूँ, तो मेरा डेटा आ गया। ठीक है जी, लिंक्ड डेटा आ गया, यानी कि अगर मैं यहाँ कोई चेंजेस करता हूँ तो यहाँ चेंजेस हो रहा है। पर इस चीज में देख रहे हैं कि ये छोटा सा डेटा था तो मैं सही भी ड्रैग कर सकता था, इतना ही ड्रैग करना है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। बट अगर ये लंबा चौड़ा डेटा होता है तो आपके सामने प्रॉब्लम आती है कि आप कितना ड्रैग करना है, बार बार इधर उधर करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपको इस तरह से कभी लिंकिंग करनी पड़ जाए, वैसे भी जनरली भी करें, तो क्या करें, डेटा का वो पार्ट सिलेक्ट कर लें या जितना डेटा आप करना चाहे कॉपी कर लें, देन पेस्ट स्पेशल पे चले जाएं और पेस्ट लिंक पे क्लिक कर लें। आपका लिंकिंग आ गई सारी। बाद में फॉर्मेट पेस्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेट पेस्ट कर दिया, कॉलम विड्थ करना चाहते हैं, कॉलम विड्थ कर दी। तो सारी सेटिंग एक झटके में हो गई इसमें। अब अगर आप इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो आपको यहाँ पे चेंजेस तुरंत के तुरंत दिखाता है। ठीक है जी, चेंजेस तो दिखा रहा है, बट अब क्या है कि हम अगर लिंकिंग प्रोसेस जो ये हम पहले करते थे इस तरह की चीजें, क्योंकि तब तक डैशबोर्ड के बारे में नहीं जानते थे हम लोग, बट अब हमारे पास डैशबोर्ड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। मान लीजिए आपके पास इतना ही स्पेस है। डैशबोर्ड में क्या होता है, पूरी कंपनी का डेटा उठा के हमें एक एक्सेल स्क्रीन पर दिखाना है। और मान लीजिए आपके पास डेटा है ज़्यादा और जगह है कम, वहाँ तो मतलब बड़ा कंजेस्टेड डेटा रखना पड़ता है, और एक्सेल में तो ये पॉसिबल हो नहीं पाता क्योंकि रो कॉलम सेम हाइट और विड्थ के साथ चलती है। इस तरह का काम करना हो, डाटा शो करना चाहते हैं, कॉपी कीजिए इसको, देन ये पेस्ट वाले बटन में इधर से चले जाइए और एज पिक्चर में पेस्ट एज पिक्चर पे आ जाइए। जैसे आप पेस्ट एज पिक्चर करेंगे तो डाटा आपका पिक्चर बन जाएगा, और पिक्चर को आप छोटा बड़ा सब कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, बट उस पिक्चर का क्या फायदा जो चेंज ही ना करे। डैशबोर्ड की बात कर रहे हैं, लिंकिंग में यह फायदा था कि वो चेंज होता था एटलीस्ट। अब इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं, सपोज मैं डाटा चेंज करूं तो ये होगा नहीं, तो मेरा डैशबोर्ड का कोई फायदा नहीं है जी। उसके लिए क्या सोल्यूशन है, हम डेटा को कॉपी करेंगे, पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, यहां से एज पिक्चर और पेस्ट पिक्चर लिंक। अब हमने अपने डेटा को सेट कर लिया यहां। ठीक है जी, अब इसमें खासियत क्या है कि जैसे आप चेंज करते हैं ये चेंज हो जाता है। ठीक है जी, पिक्चर के अंदर चेंज हो जाता है और पिक्चर का साइज आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं कहीं भी इसमें कलर भी चेंज करता हूं तो ये कलर चेंजेस को भी दिखाता है। तो ऐसी लिंकिंग आपको और किसी मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो सर आज का जो सेशन है वो इतना ही है। बाकी आज का इंट्रो था पेस्ट स्पेशल के ऊपर। बाकी नेक्स्ट जो हम कल करेंगे वो करेंगे कस्टमाइजेशन एंड सेटिंग्स। एक्सेल
की जो कस्टमाइजेशन होती है, ये एक्सेल ऑप्शन होते हैं कुछ फाइल बटन में आपके, यहाँ पे कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं जो हमें जानना जरूरी है एडवांस एक्सेल सीखने से पहले, उसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका कोई काफ़ी हद तक बेस क्लियर करेगा कि इन सब का क्या मतलब है, इनको आपको यूज़ करना बताएंगे कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक्सेल में कोई अगर प्रॉब्लम आती है ना तो हम लोग सीधा सॉफ्टवेयर ही उड़ाते हैं, वो ना करना पड़े। हमें पता होनी चाहिए सारी सेटिंग्स, कोई चीज़ नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है हमें मालूम होना चाहिए, तो वो हम आपको कल बताएंगे। और शॉर्टकट्स के बारे में, कैसे आप अपना काम स्पीड अप कर सकते हैं शॉर्टकट्स के ज़रिए, ठीक है जी। तो बाकी कल मिलते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं शाम तक जो है आपकी ईमेल आईडी पे भेज दूंगा। वो एक यूट्यूब एक लिंक होगा जिसको आप यूट्यूब पे देख पाएंगे अपनी रिकॉर्डिंग, आप किसी भी सॉफ्टवेयर से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब डाउनलोडर या ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं, तो वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। हमारी जो क्लास है ऑनलाइन होती है टोटली, और आपके पास रिकॉर्डिंग होती है तो नोट करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब आपको डाउट हो रहा है रिकॉर्डिंग देखिए, हमारी आपकी बातें उसमें रहेंगी, आप अपने हिसाब से समझ सकते, ठीक है सर। तो कल मिलते हैं, ओके जी।